अन्नदाता को आए दिनों संकट का सामना करना पड़ रहा है। कभी मौसम की मार तो कभी कम उत्पादन की वजह से किसान परेशान है। ऐसा ही एक मामला होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा तहसील में देखने को मिला, जहां लगभग 150 किसानों के द्वारा कृषि विभाग से मक्के का बीज बोवाई के लिए लिया गया था, जो कि खेतों में ना के बराबर उगा। बड़े अरमानों से किसान ने यह बीज खरीदा कि चलो गेहूं एवं मूंग की फसल तो खराब हो गई, अब मक्के की अच्छी फसल होगी तो कुछ मरहम का काम करेगी। लेकिन अब फसल लगाने के लगभग 20 दिन बाद तक किसान इंतजार करता रहा, परंतु मक्का खेत में कहीं कहीं ही उग पाया। जब किसान कृषि विभाग पहुंचा और बताया कि उनके द्वारा कृषि विभाग से मक्के का बीज लेकर लगाया गया था, परंतु मक्के की फसल 60% से अधिक उग ही नहीं पाए, तो कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दे दिया कि जल्द ही वैज्ञानिक दल बुलाकर जांच कराई जाएगी। चाहे जो भी हो, पर किसान की फसल तो अब खराब हो गई। अब ना तो किसान खेत में फिर से फसल की बुवाई कर सकता, ना ही और कोई फसल खेत में हो पाएगी। किसानों की मांग है कि उन्हें उनकी खराब हुई फसल का मुआवजा कृषि विभाग के द्वारा दिया जाए, जिससे उन्हें हुए नुकसान की भरपाई हो पाए। हालांकि कृषि विभाग से मिलने वाला मुआवजा किसानों को हुए नुकसान की भरपाई तो नहीं कर पाएगा, परंतु यदि उन्हें मुआवजा दिया जाता है तो मरहम का तो काम करेगा ही। क्या नाम है? रिखिराम कुमार विश्वकर्मा। मक्का क्या हुआ? बीज लाए थे अपन ने, तो आधी उगी आधी उगी नहीं। क्या नाम है भी आपका? अनिल विश्वकर्मा। ये क्या हुआ फसल में? मक्का। क्या हुआ, मतलब खराब हो गई क्या? जी सही है, अपने क्या मक्का लेके आए थे कृषि विभाग से, तो आधी होगी और आगे आधी नहीं होगी। फिर वापस आप गए थे कृषि विभाग? जी गए थे। क्या बोला उन्होंने? बोला कार्रवाई करेंगे बोले आगे। क्या नाम है आपका? वीर सिंह भगवान सिंह। क्या मामला भी है, फसल जो नहीं हुई आपकी? ये ब्लॉक से लाए थे सर, उसी में बोई तो होगी नहीं। वो कितने दिन हो गए? ये करीबन हो गए 22 दिन। हाँ की सर। क्या बोलते हैं? बोले के बाहर से टीम आएगी जांच करेगी सर। कितनी होगी? रुपये में 54 होगी सर। बोलो क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह रघुवंशी। तो क्या समस्या है? मैंने 74 किलो मक्का लेके आया था ब्लॉक से, उसमें एक दाना भी नहीं उगा। इसके बाद में दूसरी फसल वही, तो वो भी गड़बड़ हो गई, मतलब खेत अभी इस पार्ट में काला पड़ा है। अब उसमें तीसरी फसल बोने की व्यवस्था नहीं है। क्या चाहते हैं आप? अरे हम जा चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिला जाए, मतलब खास सहित मक्के के पैसे वापस मिले। उसमें मतलब DAP मिलाई है, वो भी गई, और मतलब 9-10 किलो के हिसाब से मक्का हुई थी, जो उन्होंने बताया वो नियम से। क्या नाम है आपका? राम बाबू रघुवंशी। क्या समस्या है? मक्का बेकार हो गई और क्या। कहाँ से लीजिए मक्का? ब्लॉक से। कितनी मक्का लीजिए? 80 किलो। उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, डबल से बोना पड़ा फसल। कोई शिकायत करी आपने? शिकायत नहीं करी अभी। क्या चाहते हैं आप? अब क्या उसका मुआवजा चाहते हैं और क्या। क्या नाम आपका? मैं प्रवीण रघुवंशी। क्या समस्या है ये? मेरे यहाँ ग्राम पिंछा में 13 किसानों ने ब्लॉक से मक्का लेके आए थे। 13 ही किसानों की मक्का ब्लॉक वाली जो आई है उसमें से एक दाना भी नहीं उगा है, और जहाँ से ब्लॉक की मक्का खत्म हुई है अदर मक्का या दूसरी फसल वो है, वो उसी टाइम की बढ़िया उगी है, यानी वो ब्लॉक का बीज ही खराब था। गवर्नमेंट ने जो बीज उपलब्ध कराया वो पूर्ण रूप से खराब था। आज भी वो खेत काले पड़े हैं। उनका सर्वे कराया जाए, उन किसानों को मुआवजा दिया जाए, मक्के के पैसे वापस दिए जाएं, आगामी फसल बोने के लिए उनको पैसे दिए जाएं ताकि वो आगामी फसल बोई जाए, और उचित जाँच कर जो बीज खराब कहाँ से आया है, दोषी अधिकारी कर्मचारी या जो भी सांठगांठ करके जिनने बीज बुलाया उन तो कार्रवाई की। अब क्या कि ये 13 किसानों में से कितनों ने शिकायत इसकी अभी तक कृषि अधिकारी से की है? आज हमने ज्ञापन दिया है, उस पर सभी लोगों के दस्तखत हैं। 13 ही लोग गए थे, 13 ही लोगों ने SDM साहब को आज ज्ञापन दिया है शिकायत की। किसानों ने मक्का की फसल नहीं। हमारे यहाँ भी कुछ किसानों ने आके दो तीन किसानों में गोली खरार के हैं और अपने बाघ गला के हैं। कुछ किसानों ने आके बोला तो उनके हमने आवेदन ले लिए हैं और भ्रष्टाचार को आपका अवगत करवा दिया है। जिले स्तर से कल एक टीम का गठन किया गया है, इसमें वैज्ञानिक लोग हैं, वो आके ये देखेंगे किस कारण से अपना अंकुरण नहीं हुआ है, बीज में कोई कमी है या किसान के द्वारा बोनी में कोई
कमी की गई है या उनके द्वारा कोई विधिवत रूप से उसका उपचार नहीं किया गया है, ये कल देखेंगे मैकेनिक आपको।